क्या गाना था, वाह वाह वाह, जरूर जोरदार तालियां होनी चाहिए पंचमदा के लिए। अरे उनके लिए तो सवाल ही नहीं। तो भवानी जी, जाते जाते एक हमको 26 सुननी है, सुननी ही वो है तो फिर वो पुकार का गाना हमारे, हाँ तो बजेगा ना, क्या तकलीफ है, पहले आप लोगों को सुनाई, छप्पी होती क्या है, बजती कैसे है और क्या है। ऐसे क्या तो छपकी क्या है कि छप ये छपकी है, साउंड क्या कर रहा है, छप छप, ऐसे भी है, ऐसे भी है, ऐसे भी है, ये छपकी नहीं है। अब इस पैटर्न को तो इतना आनंद नहीं आ रहा है, तो छपकी का साउंड छपकी जैसा लगना चाहिए। तो ये पंचमदा का तो मास्टरपीस है, छपकी की क्या होती है। तो हमने छपकी बहुत प्रकार की बजाई कि छपकी कैसे बजाया जाए। तो अभी कौन सा गाना था वो, समुंदर में नहाके, समुंदर में नहाके, और शक्ति फिल्म का भी था गाना मेरे ख्याल से, शुरुआत होटो पे ऐसी बात से हुई है। हाँ वो तो वो भी शुरुआत वहीं से हुआ है, एस डी बर्मन के समय के। जब एस डी बर्मन म्यूजिक डायरेक्टर थे और जब वो तो भारतीय संगीत वाले थे ना, उनको सब है पंचम ये तांत्रिक म्यूजिक नहीं चाहिए मेरे को ऐसे बोलते थे, तो धोती कुर्ते वाले थे ना वो लेकिन उन्होंने भी ऐसे गाने दिए हैं कि चौकियों में घोला जाए फूलों का जवाब, ये कितना सेक्सी गाना है उसमें फिर मिलाया जाए थोड़ी सी शराब। अब बताओ वो एस डी बर्मन के हिसाब का गाना नहीं है, लेकिन वो गाना सुपर हिट हुआ। यस, वो भी बर्मन दा ने किया। तो पंचमदा ने बोला, जब ये आप बोल रहे हो ना ये इसका जो छपकी का पैटर्न, तो पंचमदा बोले कि मेरे को कम, और उनको अलाउड नहीं था पंचमदा को सिटिंग रूम में आना, ऑन चौम बाहर जा चार नजर नहीं आने का। तो मनोरीजा को बोलते थे, दादा को बाबा को जरा समझाओ ना, मैं कुछ पैटर्न बना के लाया हूँ। अरे बोले इनको कौन समझावे, उनको एक ही आदमी समझा सकता था एस डी बर्मन को, जो किशोर कुमार और अशोक कुमार, बस तीसरा कोई आदमी नहीं, बेटा भी नहीं, वो अपना ही रखते थे सब। तो बोले जी कम से कम इसका रिदम मिल जाए मेरे को, होटो पे एक बात दबा के चले। तो बोले मनोरीदा ने उनको बंगाली में जरा पटाया, बोल बोल के वासुदा ने जरा पंचम क्या बोला जरा सुन तो लो। तो बोले ना नहीं नहीं पंचम का नहीं मांगता मेरे को इधर कुछ भी, वो हमारा गाना तांत्रिक बना देगा हाँ तांत्रिक बना देगा इलेक्ट्रॉनिक को तांत्रिक बोलते थे अरे बोले एक दफे बच्चा है आपका सुन लो। बोले ना ना नहीं हमारा मूड खराब कर देता है वो। अरे फिर भी कैसा करके दो दिन के बाद, अच्छा पंचम अंदर आगे, हाँ दादा क्या बनाया तू बता मेरे को। तो बोले आप गाओ। तो बोले अच्छा मैं गाऊँ और तू बैटिंग सेट करेगा। बोले हाँ। तो बोले आपको तो गाना पड़ेगा, आपका ही गाना है। बोले अच्छा ठीक है। तो वो फिर छपकी में ज्यादा था, ऐसी छपकी बजना शुरू हुआ। ये क्या कर रहा है, मालिश कर रहा है क्या सर पे? बोले नहीं पंचमदा ये पैटर्न है। फोटो पे एक बात दबा के चले। तो ये सब पैटर्न बनाया, फिर बोला हाँ ठीक है। फिर उसके बाद में उन्होंने एक और पिक्चर का था गाना था, वो अरुणा रानी थी या मुमताज थी उसमें, बहुत हिट था वो, पंचमदा का गाना था, पंचमदा का वो बंदे हाथ वाला, हाँ कौन सा था, छल्ला में भी, हाँ वो भी था। फिर वो एक मेला का मेला फिल्म का, गोरी के हाथ में तकुंग तकदिन चांदी का छल्ला, दिन ताक दिन तगन तगन ऐसे भी नर रखूंग चकुंग रखूंग चकुंग, ये सब पंचमदा। ओय होय 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 होय। तो ये सब अब तो होता नहीं है, लेकिन अब ऐसा है कि भाई जो है वो बहुत बढ़िया है नहीं तो जिंदगी का सफर ये कैसा सब, किशोर कुमार कहाँ से बोलते थे, बाप रे बाप जिंदगी का ऐसे, आज तो बोल को कहाँ अंदर लेना कहाँ छोड़ना कहाँ सांस लेना यही नहीं आता है लोगों को। ये सीखना है तो लता जी आशा जी किशोर कुमार मोहम्मद रफ़ी तो रहे नहीं, लेकिन ये तो दो बैठी हैं, परसों ट्रेनिंग लो इनसे, संगीत कहाँ है।